हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर वन सेट का एक्सरसाइज 1A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। तो हम लोग को बताना है कि कौन कौन सा कलेक्शन सेट है। तो चलिए हम क्वेश्चन वन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन। तो ये एक सेट होगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है वो उसको काउंट कर सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं, तो ये एक सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉय ऑफ योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने भी शॉर्ट बॉय हैं, शॉर्ट जो कम हाइट के बॉय है उसका कलेक्शन। तो इसका कलेक्शन हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए हम लोग को कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितना कितना हाइट का वो शॉर्ट बोलेंगे और कितना हाइट का उसको हम लोग लॉन्ग बोलेंगे। तो ये कलेक्शन नहीं, ये कलेक्शन सेट का नहीं होगा, तो ये भी एक सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, मीन्स हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट का जो भी कलेक्शन होगा वो सेट होगा क्योंकि इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत में जितने भी 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उसका कलेक्शन। तो इसका भी कलेक्शन हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा और आपके हिसाब से या फिर किसी और के हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामास राइटिंग रिटन बाय शेक्सपियर। तो जो भी शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे है उसका कलेक्शन, तो ये एक सेट होगा क्योंकि उन्होंने जितने भी ड्रामास बुक्स लिखे होंगे वो एक्चुअली उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो एक सेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो सारे लेटर जो कि के से पहले आते हैं उसका कलेक्शन। तो इसका भी हम लोग कलेक्शन ले सकते हैं, ए बी सी डी ए से के तक जितने भी लेटर होंगे वो इसका कलेक्शन होगा, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड एथलेटिक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जितने भी गुड एथलेटिक्स है उसका कलेक्शन, तो ये भी इसका कलेक्शन हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि गुड एथलेटिक्स हमारे मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है या फिर और आपके या फिर किसी और के हिसाब से कोई और हो सकता है, तो इसका कलेक्शन नहीं बना सकते, तो ये भी एक सेट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज ऑफ योर लोकेलिटी। आपके एरिया में जितने भी फैट बॉय है उसका कलेक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है कि वो कितना फैट होना चाहिए, तो ये भी एक कलेक्शन नहीं होगा, सेट का कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर। जिसका एज 15 ईयर है उन स्टूडेंट का कलेक्शन। तो हमारे क्लास में बहुत कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका एज क्या होगा 15 ईयर या फिर उससे अधिक होगा, तो इसका कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं, तो ये भी एक सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। और इसका बात क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल द अप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। मीन्स हम लोग को ब्लैंक स्पेस में बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू को फिल करना है। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर है 6A। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जो ए सेट है उसके अंदर 6 जो है एलिमेंट है कि नहीं। तो ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो 6 होगा वो बिलोंग करेगा ए से। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर टू है 1। तो 1 यहाँ पर ए सेट में 1 हम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए से, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ होगा डज नॉट बिलोंग टू। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें है 5A। अब 5 जो है ए के अंदर, ए सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। देन 4 नंबर क्वेश्चन है 10A। अब ए के अंदर, ए सेट के अंदर 10 एलिमेंट है, तो ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से। देन 2 भी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ए से। देन 3 यहाँ पर इस सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा, तो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। जो भी सेट दिया हुआ है उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो एक सेट ए है, ए के अंदर लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर। तो लेटर वर्ड का जितना भी लेटर है उसको हम लोग को ए सेट के अंदर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो लेटर में पहला वर्ड है, पहला लेटर है एल, देन है ई, देन है टी,
ई दोबारा से रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को रिपीट करने वाला लेटर को नहीं लिखना है। फिर देन है ई, तो ई हमने पहले ही लिख चुका है तो इसको नहीं लिखूंगा। फिर है आर, ये फाइनली हमारा एक सेट ए बना जिसके अंदर एल ई टी आर ये सारे लेटर आए, जो कि कहाँ से आए हैं, ये लेटर वर्ड से आए हैं। तो इसका सेट का आंसर होगा ये। देन क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में एक बी सेट दिया हुआ है और उसके अंदर है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 7 होना चाहिए। मीन्स बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, बिकॉज बी क्या है, एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। बट लेस देन 7 मतलब 7 से कम, इक्वल टू नहीं बोला है। अगर इक्वल टू भी बोलता तो यहाँ पर हम लोग 7 भी लिख देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट सी है जिसके अंदर है एलिमेंट x सच डैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होगा एंड जो x का वैल्यू है -2 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए और 5 से होना चाहिए छोटा। तो सी के अंदर, सी सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे -2 से बड़ा एंड -2 के इक्वल भी। मीन्स हम लोग -2 को भी लेंगे, देन -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 में इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स जो होना चाहिए वो 60 से ग्रेटर होना चाहिए और 80 से लेस होना चाहिए, मतलब 60 से ज़्यादा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। तो डी सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और 60 से ज़्यादा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। मीन्स हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर 67, बिकॉज हम लोग को प्राइम नंबर भी लिखना है। तो 61 प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 68 प्राइम नंबर नहीं है, 69 भी प्राइम नहीं है, 70 भी प्राइम नंबर नहीं है, 71 प्राइम है, 72 प्राइम नंबर नहीं है, 73 भी प्राइम नंबर है, 74 भी प्राइम नंबर नहीं है, 75 भी नहीं है, 76, 77, 78, 79। तो ये हमारा एलिमेंट आ जाएंगे जो कि प्राइम नंबर भी है और 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है। मीन 61, 67, 71, 73 एंड 79। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सेट है जिसके अंदर है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड x का वैल्यू होना चाहिए 50 से कम। तो चलिए इसका अंदर का एलिमेंट लिखते हैं, ई इक्वल टू एक्स जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1, बिकॉज 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। देन हम लोग लिख सकते हैं 2, फिर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी परफेक्ट है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, देन 36 एंड लास्टली 49, बिकॉज इसके बाद जो आएगा वैल्यू वो परफेक्ट स्क्वायर तो होगा लेकिन वो 50 से कम नहीं होगा, 50 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट है एफ जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज 2-डिजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज 7। मीन्स एक्स 2-डिजिट नंबर होना चाहिए, एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो 2-डिजिट नंबर होना चाहिए और उसका सम होना चाहिए 7। तो चलिए इसके अंदर का एलिमेंट लिखते हैं, तो एफ इक्वल टू 1, 6। 1 और 6 दो डिजिट नंबर है और उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 वैल्यू आएगा। ओके, देन लिख सकते हैं हम लोग 2, 5, देन 3, 4, देन 4, 3, देन 5, 2, देन 6, 1, देन 7, 0। ओके, तो दोनों डिजिट को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। और साथ ही साथ ये दोनों डिजिट दो डिजिट नंबर है, इसके जगह अगर हम लोग 07 लिखते तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 तो आ रहा, बट ये 2-डिजिट नंबर नहीं है, ये जीरो का स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू होगा 7 जो कि 1-डिजिट नंबर है, इसलिए इसका आंसर होगा 16, 25, 34, 43, 52, 61 एंड 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, जी सेट है जिसके अंदर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और उसके साथ x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 400 से लेस होना चाहिए, 400 से कम होना चाहिए। तो चलिए इस सेट के अंदर का एलिमेंट लिखते हैं, तो g इक्वल टू
एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स मल्टीपल ऑफ फाइव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ फाइव क्या होता है, मल्टीपल ऑफ फाइव, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, ये सब फाइव का मल्टीपल है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है फाइव का मल्टीपल और एक्स का स्क्वायर, मतलब कि अगर हम लोग फाइव का स्क्वायर करेंगे, ये सब एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 400 से कम होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर हम लोग को 25 आता है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 400 से कम है। फिर यहाँ पर 10 है जो कि 5 का ही मल्टीपल है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है जो कि 400 से लेस है, 400 से कम है। फिर यहाँ पर 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये भी 400 से कम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, देन यहाँ पर 15, तो 15 का स्क्वायर भी होता है 225, तो ये भी 400 से कम है, इसलिए हम लोग 15 को भी इस सेट के अंदर लिख सकते हैं। देन यहाँ पर है 20, तो 20 का स्क्वायर तो होता है 400, जो कि 400 से 400 के बराबर है बट 400 से कम नहीं है। तो हम लोग को ऐसा एलिमेंट लिखना है जो 400 से कम है, सो हम लोग यहाँ पर 20 नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर होगा 5, 10 एंड 15। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, एच सेट है, एच एक सेट है जिसके अंदर एक्स सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए एक्स। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से एक्स कटेगा वन टाइम्स में, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा वन। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है, वन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एच के अंदर वन, क्योंकि एक ही वैल्यू हम लोग हमारे पास आ रहा है जो कि है वन। ओके, देन यहाँ पर अगर हम लोग इसका वैल्यू वन भी आएगा और माइनस वन, यानी माइनस वन भी आएगा और प्लस वन भी आएगा, बट हम लोग यहाँ पर लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे है ओनली वन। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एक सेट है जिसके अंदर एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो रियल नंबर में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो इसके अंदर को पहले हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये मैंने 5x को दो भागों में डिवाइड कर दिया, माइनस टू एक्स एंड माइनस थ्री एक्स। फिर यहाँ से मैं कॉमन लूँगा एक्स, यहाँ से एक्स आएगा, देन यहाँ से माइनस टू, देन यहाँ से मैं कॉमन लूँगा यहाँ से थ्री, इसके अंदर भी थ्री है तो थ्री कॉमन लूँगा, और यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर माइनस टू, देन इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट वालों को एक साथ लिखूंगा, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा टू एंड थ्री। ओके, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा टू और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा थ्री। तो x का वैल्यू हम लोग को दो वैल्यू निकल कर आ रहा, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे टू और थ्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो भी सेट दिया हुआ उसका जो भी अंदर एलिमेंट आएंगे उसको हम लोग को लिखना है। तो चलिए इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। तो ए एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, मीन्स इंटीजर, एक्स इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बोल नहीं रहा कि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी दोनों हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। एंड एक्स का जो वैल्यू है माइनस वन बाई टू, मीन्स माइनस 0.5 से बड़ा, और 7/2 मीन्स 3.5 से छोटा होना चाहिए, 3.5 से छोटा। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, a इक्वल टू माइनस 0.5 से बड़ा क्या आएगा, 0 आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा। ओके, 3.5 हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू है और इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है, वो माइनस में या फिर प्लस में होता है। ओके, और 0 भी इंटीजर में ही आता है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। देन क्वेश्चन नंबर 2 है बी, बी एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, मीन्स यहाँ पर भी एक्स इंटीजर से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 से कम या फिर बराबर होना चाहिए। मीन्स अगर एक्स का जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, मीन्स हम लोग बी के अंदर हम लोग 0 को लिख सकते हैं। देन प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 4 से छोटा है, तो हम लोग 1 को भी लिख सकते हैं। देन प्लस 2, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, मीन्स हम लोग माइनस 1 को भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर अब हम लोग 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4
और फोर फोर के बराबर है, इसलिए हम लोग टू को भी लिख सकते हैं इस सेट के अंदर। देन अब हम लोग यहाँ पर माइनस लगाकर चेक करेंगे, माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर भी फोर आएगा, इसलिए हम लोग इसके अंदर इस सेट के अंदर माइनस टू को भी लिख सकते हैं। तो इस सेट का आंसर हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन, जीरो एंड वन एंड टू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इक्वल टू टू एन, और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड एन का जो वैल्यू है वो फाइव से, फाइव के इक्वल और उससे कम होना चाहिए। ओके, तो सी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, एक्स का वैल्यू टू एन होना चाहिए, मीन्स यहाँ से हम लोग अगर एन का वैल्यू निकालेंगे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब हम लोग को एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू है टू इंटू एन, मीन्स टू इंटू वन, तो टू इंटू वन आ जाएगा टू, फिर टू इंटू टू, टू इंटू टू आ जाएगा फोर, फिर टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर एट, एंड लास्ट टू इंटू फाइव टेन। तो एक्स के सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, टू फोर सिक्स एट टेन, ये हम लोग सारे रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। मैंने अपना एक और प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया है, जिसमें रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और भी जो भी डेफिनेशन है वो मैं उसमें अच्छा से कवर किया है। तो आप इस वीडियो के लिंक में जाइएगा और वो आपको लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें से जाकर वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन है डी एक्स सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ एक्स, सच दैट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन, एंड एन बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू से, मीन्स होल नंबर से, होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो वन टू थ्री इनफाइनाइट तक जाता है। देन वहाँ पर एंड लिखा हुआ, एंड एन लेस देन होना चाहिए फाइव से, मीन्स एन का वैल्यू फाइव से कम होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एन का वैल्यू होगा जीरो वन टू थ्री एंड फोर। जीरो इसलिए लिखे क्योंकि होल नंबर बोला है और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। देन अब हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो डी के अंडर एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन लिखा हुआ है। अब हम लोग एन का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन। देन एन का वैल्यू हम लोग अगर वन पुट करेंगे तो टू इंटू वन वन, और एंड वन टू इंटू वन टू होगा, टू प्लस वन थ्री। देन एन का वैल्यू अगर हम लोग टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, और देन हम लोग एन का वैल्यू अगर हम लोग थ्री पुट करेंगे तो थ्री इंटू सिक्स प्लस वन सेवन, एंड फाइनली अगर हम लोग एन का वैल्यू फोर पुट करेंगे तो फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन। तो ये हमारा सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में एक सेट है ई जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स, सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, तो एक्स का जो वैल्यू है वो 24 का फैक्टर होना चाहिए। 24 का फैक्टर क्या आएगा, 24 का फैक्टर है वन टू थ्री, वन का टेबल में 24 आता है, टू का टेबल में, थ्री का टेबल में, फोर का टेबल में भी आता है, फाइव का टेबल में 24 नहीं आता है, देन सिक्स, देन एट, देन 12, देन 24। तो 24 का फैक्टर हो जाएगा वन टू फोर सिक्स एट ट्वेल्व एंड 24। तो ये सेट के ई सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है एफ जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू वन बाई एन, एक्स इक्वल टू वन बाई एन, एंड एन जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और एन का वैल्यू सिक्स से कम होना चाहिए। ओके, तो एन का वैल्यू सिक्स से कम होना चाहिए, मीन्स एन का वैल्यू हो सकता है वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू वन बाई एन मीन्स वन बाई वन, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वन मीन्स वन। देन हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू अगर यहाँ पर टू लेंगे तो वन बाई टू, एंड वन बाई टू नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर थ्री लिखेंगे तो वन बाई थ्री आएगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर अगर फोर रखेंगे n का वैल्यू, n की जगह फोर रखेंगे तो वन बाई फोर आएगा, और ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। और उसी के साथ अगर हम लोग n का वैल्यू 5 रखेंगे तो वैल्यू आएगा 1 बाई फाइव, और ये भी नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके अंदर ओनली वन एलिमेंट आएंगे और वो है 1, यानी f के अंदर 1 आएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 7 है एंड 8 है, ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में, या फिर इसको अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। एक सेट है जे, जे के अंदर लिखा हुआ एक्स, सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो x में जो भी वर्ड आएंगे वो इस लेटर से आना चाहिए, मीन्स ट्रिगोनोमेट्री से आना चाहिए। तो ये सेट के अंदर जो एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, j इक्वल टू t एंड r, देन i, देन g, देन o, देन n, देन o दोबारा आ रहा है तो जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे।
देन एम, देन ई, ई यहाँ पर दोबारा नहीं आया तो ई को भी लिखेंगे, देन टी, टी दोबारा आ चुका है तो टी को हम लोग नहीं लिखेंगे, देन आर, आर भी दोबारा आ चुका है तो आर को भी हम लोग नहीं लिखेंगे, देन लास्ट वाई। तो ये सेट का अंदर का एलिमेंट आएगा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, बिकॉज क्योंकि जो भी सेट के अंदर जो भी रिपीट करते हैं एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सिक्स है, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम लोग को चेक करना है जो भी सेट दिया गया है वो फाइनाइट है या एंड इनफाइनाइट है, उसको हम लोग को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, अस ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में मान लीजिए ये एक प्लेन है, इसके अंदर जितने भी सेट, जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनका हम लोग को सेट बनाना है। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, तो ढेर सारा हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू को आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में जो सी सेट है जिसके अंदर जितना वी एलिमेंट है वो होना चाहिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मीन्स ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से पैरेलल कितना लाइन होगा, तो वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस है और इसका पैरेलल ये सारे लाइंस हो सकते हैं। तो ये भी लाइन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ये लाइन का कभी अंत नहीं होगा, इसको हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये भी जो सेट का एग्जांपल होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव इसी तरह से इजी वे में बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा बहुत सारे नंबर है बट यहाँ पर रियल नंबर बोल रहे हैं, तो एफ के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.0.12, 0.123 या फिर 0.111, ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर तक हम लोग लिख सकते हैं। तो इस सेट के अंदर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो ये भी सेट कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेवन को इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन भी बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर एट जो है, एच इक्वल टू एक्स बिलोंग टू इंटीजर मीन्स जेड एंड एक्स का वैल्यू जो है वो -15 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। तो एच के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -14, -13, डॉट 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 0, 1, 2, डॉट डॉट 14 तक। मीन्स यहाँ पर हम लोग जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो फाइनाइट होगा, क्योंकि ये -14 से 14 के बीच में ही, मीन्स -15 से 15 के बीच में ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। तो ये होगा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। तो हम लोग को फाइंड करना है कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और 2x + 5 = 6। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2x + 5 = 6 है, देन 2x का वैल्यू आएगा 6 - 5 = 1, देन 2x = 1 एंड x = 1/2। ओके, तो एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन से 1/2 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू 1/2 होगा, बट यहाँ पर एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू कुछ भी नहीं, मीन्स एक्स का वैल्यू तो एक ही आ रहा बस 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5, मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो ये सेट होगा एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा और बराबर भी हो सकता है, मीन्स बराबर भी होना चाहिए। देन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे 1 से बड़ा होना चाहिए मीन्स 2 एंड 2 से छोटा या फिर 2 के बराबर। तो 2 के बराबर है तो 2 है, यानी बी के अंदर जो एलिमेंट आया है वो 2 है, मीन्स इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है 1 है या फिर 1 से ज़्यादा भी अगर होगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा,
मीन्स अगर एक भी एलिमेंट है तो वो सेट एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नो एम्प्टी सेट। ओके, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम एंड एक्स का वैल्यू होना चाहिए 90 से बड़ा और 96 छियानवे से छोटा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगा सी इक्वल टू 90 से बड़ा और 96 से छोटा, ऐसा बहुत सारे नंबर, मतलब ऐसा 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, तो ये सारे नंबर है, बट इस सारे नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम होगा। ओके, तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों नंबर के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम होगा, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स ये सेट खाली होगा यानी एम्प्टी होगा। तो इसको हम लोग फाइव से भी दिखा सकते हैं या फिर सेट के अंदर नो एलिमेंट, तो ये होगा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल, एम्प्टी सेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस 4। देन यहाँ पर हम लोग एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे, एक्स का अगर एक भी रखें, दो भी रखें, तो माइनस 4 कभी भी नहीं आएगा, मीन्स इसका कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा बट वो इमेजिनरी होगा। ओके, तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ब्लैंक होंगे, यानी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, या फिर इसको हम लोग फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेट ई है जिसके अंदर लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। तो एक्स इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, प्राइम नंबर इवन नहीं होता, बट सबसे पहला प्राइम नंबर जो है 2 वो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, मीन्स ई सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 2। ओके, तो ये एक एलिमेंट आ गया इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नो एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक वो जाएगा, और उसके साथ ही x प्लस 3 का जो वैल्यू है वो 3 से कम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो w का वैल्यू यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर x का जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 का वैल्यू आएगा 3, और जो 3 है वो 3 से लेस देन नहीं है, मतलब 3 से कम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 को नहीं ले सकते, 0 को हम लोग नहीं ले सकते। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 0 से एक भी नंबर आगे बढ़ेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो फॉल्स होते रहेगा, मीन्स अगर हम लोग 0 से आगे का वैल्यू नहीं दे सकते। अब 0 से पहले का वैल्यू भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर होल नंबर बोला है और होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्लैंक सेट या फिर फाई। तो ये भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा, एम्प्टी सेट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, जी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू, कैपिटल क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लाइक जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है हो, लाइक 1/2 या 3/5, ये सब सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर देखना है एक्स का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए एंड 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा जो भी रेशनल का रेशनल नंबर में आएगा वो नंबर है 2/3, ये 1 से बड़ा है और 2/3 नहीं, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3/2, तो 3/2 का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 5/3, उसी तरह से हम लोग बहुत सारा इसके अंदर ऐसा एलिमेंट लिख सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे 3/2 या फिर 5/3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये सेट के अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे या फिर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग नो एम्प्टी सेट। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एच इक्वल टू 0 मीन्स एच एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0, तो यहाँ पर पहले से ही एक एलिमेंट है 0, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट है और उसका नाम क्या है 0 है, तो ये भी सेट क्या है नो एम्प्टी सेट, नो एम्प्टी सेट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, तो ये दोनों पेयर जो है सेट का पेयर है, उसमें से हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा पेयर जो है वो इक्वल सेट का, इक्वल सेट मीन्स जो दोनों सेट होंगे उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होना चाहिए और वो सेम के साथ उसका जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए,
मीन्स सेट ए के अंदर अगर फाइव एलिमेंट है तो सेट बी के अंदर भी फाइव एलिमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो जो फाइव एलिमेंट है वो सेम भी होना चाहिए। तो चलिए इसका अंदर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा ए डबल एल ओ वाई से, मीन्स यहाँ पर ए आएगा एल वाई एंड ओ आएगा, बिकॉज जो भी रिपीटेड एलिमेंट है उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। देन बी के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा एल ओ वाई ए एल, ओ एल से आएगा, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लिख सकते हैं एल ओ वाई ए। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और बी में। तो ए के अंदर एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है, और बी के अंदर भी फोर एलिमेंट है। अब चेक करते हैं जो भी एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं, मीन्स यहाँ पर ए है, ए है एल एल वाई वाई ओ ओ एंड वाई वाई, मीन्स एलिमेंट भी सेम है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल सेट का एग्जांपल होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल सेट। अब क्वेश्चन नंबर टू है जिसके अंदर सी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, मीन्स एक्स इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो फोर से एक फोर के इक्वल या फिर फोर से कम होना चाहिए, और डी का अंदर जो सेट है वो उसके अंदर जो एलिमेंट है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चलिए पहले सी के अंदर का एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो फोर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर इक्वल। तो हम लोग अगर जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा जो कि फोर से कम है, मीन जीरो भी रख सकते हैं हम लोग, वन भी और टू भी, क्योंकि टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है। उसी तरह से हम लोग माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटीजर बोला है, तो इंटीजर माइनस में भी होता है। देन यहाँ पर माइनस वन और साथ ही साथ माइनस टू भी लिख सकते हैं। तो सी के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे माइनस वन माइनस टू जीरो वन एंड टू। देन हम लोग डी के अंदर एलिमेंट लिखेंगे, तो डी के अंदर एलिमेंट आएगा एक्स जो है वो इंटीजर से लेना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा माइनस फोर को उस साइड, अगर इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये आएगा फोर। देन सेम ये वाला इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर अगर स्क्वायर को अगर हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा रूट अंडर फोर, रूट फोर का वैल्यू होता है प्लस एंड माइनस टू, मीन्स प्लस टू एंड माइनस टू। तो डी के अंदर जो वैल्यू आएगा वो आएगा टू एंड माइनस टू। अब हम लोग चेक करें कि सी और डी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या फिर नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइव है और यहाँ पर टू है, तो एग्जैक्टली ये फाइव और टू दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, मीन्स ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। ई एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, मीन्स एक्स इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और एक्स माइनस थ्री का वैल्यू होना चाहिए जीरो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ई के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो होगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा थ्री। ओके, तो यहाँ पर आएगा थ्री, ओनली थ्री। एंड एफ अंदर, एफ के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, एफ इक्वल टू एक्स जो है वो जेड से यानी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा नाइन, देन एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस थ्री। ओके, तो एक्स का वैल्यू थ्री भी होगा और माइनस थ्री भी होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर बोला है तो हम लोग माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ई के अंदर थ्री आया और एफ के अंदर माइनस थ्री प्लस थ्री, दोनों हम लोग को देखने में लग रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल सेट नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो इक्वल सेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर है जी इक्वल टू माइनस वन वन, जी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है माइनस वन और वन, और एच के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो जी के अंदर लिखेंगे माइनस वन एंड वन, एच के अंदर क्या एलिमेंट आएगा, तो एच के अंदर आएगा एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जेड यानी एक्स जेड से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, एंड इस इक्वेशन को हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा वन, यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन, मीन्स वन एंड माइनस वन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन कॉमा वन, यानी एच के अंदर दो एलिमेंट आएंगे माइनस वन एंड वन। तो यहाँ से हम लोग को दोनों एलिमेंट सेम भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये जो सेट होगा ये इक्वल पेयर का सेट होगा, इक्वल सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। तो हम लोग को जो भी सेट दिया हुआ है उसमें से हम लोग को इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना है, उसको लिखना है कि इक्विवेलेंट सेट है या फिर नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, मीन्स ए के अंदर अगर फाइव एलिमेंट है तो बी के अंदर भी अगर फाइव एलिमेंट होगा तो वो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट ही बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो सेट ए है एंड बी है, ए के अंदर थ्री एलिमेंट है और बी के अंदर थ्री एलिमेंट है,
ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज एन ए मीन्स नंबर ऑफ ए, मीन्स ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट का नंबर है वो 3 है, एंड नंबर ऑफ बी सेट इक्वल टू 3 है, यानी बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका नंबर भी 3 है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो 3 है, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पी दिया हुआ है, पी इक्वल टू 0 एंड क्यू इक्वल टू 5। 0 का मीन्स ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है 0, यानी अगर नंबर ऑफ पी सेट लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, मीन्स इसके अंदर 1 एलिमेंट है, और अगर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ क्यू तो इसका वैल्यू आएगा 0, क्योंकि क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्यू ब्लैंक है या फिर पाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सी के अंदर 3 एलिमेंट है, मीन्स नंबर ऑफ सी सेट इक्वल टू आएगा 3, एंड डी के अंदर भी 3 एलिमेंट है तो लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ डी सेट इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दोनों नंबर इक्वल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ये हो जाएगा नॉट इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्विवेलेंट सेट। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स का वैल्यू होना चाहिए 3 से कम। तो नेचुरल नंबर और 3 से कम, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई इक्वल टू 1 एंड 2, मीन्स नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई हो जाएगा 2, मीन्स ई के अंदर 2 ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ई सेट इक्वल टू 2। देन हम लोग निकालेंगे एफ के अंदर जो भी एलिमेंट है, तो एफ जो है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, मीन्स होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 0 1 2 3 4, एंड एक्स जो है वो 3 से कम होना चाहिए, यानी एक्स का जो भी वैल्यू है वो 3 से कम होना चाहिए, तो इस एफ सेट के अंदर एलिमेंट आएगा 0 1 एंड 2, मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एफ एलिमेंट इक्वल टू 3, यानी ई के अंदर 2 एलिमेंट है और एफ के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये ऑफकोर्स नॉट इक्विवेलेंट सेट होगा, मीन्स इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।